कैसे हो, मैं किरण टिकट से। तो आप सब लोगों ने कैमरास यूज़ किए होंगे, आजकल के सारे फ़ोन में कैमरास आ रहे हैं वो यूज़ किया होगा, और DSLR कैमरास यूज़ किए होंगे। पर सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए कैमरा यूज़ होता है जो सभी जगह पर लगा रहता है, उसका नाम CCTV कैमरा। तो बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि CCTV का मतलब क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है। तो आज इसको डिटेल में देखेंगे। CCTV का मतलब है क्लोज सर्किट टेलीविजन। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैमरा इसमें आते हैं, जैसे वाईफाई कैमरा आता है या फिर DVR के साथ कैमरा आता है। तो उसके बारे में हम इसी वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो में लगे रहिए। बेस्ट जो CCTV कैमरास जो आप खरीद सकते हैं घर के लिए या ऑफिस के लिए, ताकि आप अपने घर या ऑफिस में ला सकते हैं और अपने बच्चों को ध्यान रख सकते हैं कहीं से भी, या फिर ऑफिस में आपके वर्कर्स कैसे काम करते हैं वो भी चेक कर सकते हैं। तो CCTV के कैमरा के बारे में सभी चीज़ें आज हम देखेंगे और इसके टाइप्स देखेंगे और बेस्ट जो CCTV कैमरा जो आप खरीद सकते हैं उसके बारे में भी देखेंगे। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ क्लिक करके आप खरीद सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो CCTV कैमरास के बारे में बात करने के लिए, सबसे पहले मैं अपने घर में CCTV कैमरा लगा रखा है। मैं अपने बच्चे का ध्यान रखता हूँ CCTV कैमरा से, कहीं पे भी जाता हूँ तो उसको वहाँ से देख सकता हूँ, उससे बात कर सकता हूँ। तो आजकल के CCTV कैमरा वाईफाई मॉडल में आते हैं, तो आप उसको वाईफाई से कनेक्ट करके डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं और डायरेक्टली अपने घर के वीडियो को स्ट्रीम कर सकते हैं। तो ये बहुत एडवांटेज है और ये बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर है जो आप कहीं पर भी लगा सकते हैं और कहीं किसी का भी ध्यान रख सकते हैं। तो CCTV कैमरा बेसिकली 5 टाइप्स के आते हैं। डोम कैमरा आता है, फिर बुलेट टाइप कैमरा आता है, और सी टाइप कैमरा आता है, और नाइट डे कैमरा आता है। ये नाइट डे और सी टाइप कैमरा जो होता है वो वेस्टर्न कंट्रीज में यूज़ होते हैं, इंडिया में उतने पॉपुलर नहीं है। इंडिया में पॉपुलर हैं डोम टाइप और बुलेट टाइप कैमराज, उसके बारे में आज देखेंगे। कैमरा जो होता है वो एक सीलन की लाइट की तरह होता है, उसके ऊपर एक शेल रहता है, और इसका एडवांटेज क्या है, मतलब इसमें टिंटेड ग्लास लगा रहता है। टिंटेड ग्लास होने के कारण इसके कैमरा जहाँ पे देखता है, जो बाहर से कोई देख रहा है तो उसको पता नहीं चलता कैमरा का फोकस कहाँ पे है, और ये आसानी से किसी को भी मॉनिटर कर सकता है। यह यूजुअली बैंक्स में या फिर ज्वेलरीज में लगा रहता है, आपने देखा होगा। डोम कैमरास सीलिंग्स में यूज लगते हैं और ये कहीं से भी इसको मॉनिटर किया जा सकता है। टाइप्स की कैमरास जो है वो है नॉर्मल डोम्स कैमरास जो MI या TP लिंक से आते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ क्लिक करिए आप देख सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। तो वैसे जो कैमरास हैं जिसके हेड रोटेट होते हैं, 360 डिग्री रोटेट होते हैं, और कहीं पे भी आप इसको घुमा के देख सकते हैं। जैसे हम डिस्कस किया CCTV कैमरा दिन में तो देख सकते हैं, तो रात में क्या देख सकते हैं क्या? तो रात में भी CCTV कैमरा देख सकते हैं, क्योंकि इसमें इंफ्रारेड लगा होता है, तो इसमें 30 मीटर्स तक रेंज रहता है, 30 मीटर्स तक इसका व्यूइंग डिस्टेंस रहता है। तो रात में भी ये क्लियरली देख सकते हैं, क्योंकि ये इसका विजन ब्लैक एंड व्हाइट में होता है रात को, कि ये कोई मूवमेंट या किसी भी टाइप का हलचल को ये ट्रैक कर सकते हैं और आपको रिपोर्ट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा एडवांटेज है। तो अगर आपने घर को लॉक किया और कहीं गए हैं और आपको कोई इंट्रूडर घर में आता है, तो ये इसलिए आपको नोटिफाई कर देगा कि घर में कोई घुसा हुआ है। CCTV कैमरास और कहाँ लगते हैं? CCTV कैमरास और जैसे रेलवे स्टेशन में, पब्लिक प्लेस में सबसे लगते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, या फिर कोई मॉल हो गया, सभी जगह CCTV कैमरा आपने देखा होगा और ये बहुत कॉमन है। तो ये एक सेफ्टी फीचर है, कहीं पे भी रॉबरी नहीं हो सकती इसके सामने, या फिर चेन स्नैचिंग होता है, बैग स्नैचिंग होता है, या पिक पॉकेट होता है, सभी ये ट्रैक करता है। ये वीडियो के थ्रू अथॉरिटीज जान सकते हैं कि ये किसने किया है और इसको पकड़ सकते हैं। तो CCTV कैमरा एक सेफ्टी मेजर है, घर में इसको रखने से आपको एक मन की शांति रहती है और ऐसा एक कॉन्फिडेंस रहता है कि आप कहीं से भी अपने घर को ट्रैक कर सकते हैं। कॉमन प्लेसेस में जो CCTV कैमरा लगता है वो है बुलेट टाइप कैमरास। तो बुलेट टाइप कैमरास जो होते हैं वो बुलेट की तरह होते हैं, उसका लेंथी डिजाइन होता है। इसका मतलब है कि इसमें और लेंसेस होते हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैक कर सकते हैं। यूजुअल जो डोम कैमरा होता है वो 30 मीटर तक ट्रैक कर सकता है, पर एक बुलेट कैमरा 150 मीटर तक ट्रैक कर सकता है। तो यही है एडवांटेज। आपने टेलीस्कोप देखा होगा, तो टेलीस्कोप में बहुत सारे लेंस एडेड होते हैं, इसके लिए उसका लेंथ थोड़ा ज़्यादा रखते हैं। तो इसी तरह का प्रिंसिपल है बुलेट कैमरास में, जो ज़्यादा लेंथी होता है पर ये लंबे डिस्टेंस तक दे सकता है, और ये भी IR अवेलेबल है इसमें भी, और ये भी रात को दे सकता है। बुलेट कैमरास जो हैं वो डिफरेंट मैन्युफैक्चरर बनाते हैं, जैसे पैनासोनिक है, हिकविजन है, तो ये सब पॉपुलर ब्रांड्स हैं जो बुलेट कैमरास बनाते हैं। तो बुलेट कैमरास में डिफरेंट मॉडल्स आते हैं, पर हिकविजन का जो मॉडल है वो बहुत पॉपुलर है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है, वहाँ क्लिक करिए आप कर सकते हैं। तो हिकविजन का मॉडल कैसे काम करता है, DVR के साथ काम करता है। तो DVR का मतलब डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। तो आप नॉर्मली एक डोम टाइप कैमरा होता है वो सिंगल कैमरा होता है, और एक कैमरा से आप अपने जगह को मॉनिटर कर सकते हैं, पर DVR वाले कैमरे में मल्टीपल कैमरास आप लगा सकते हैं। और अगर आपको घर में लगाना है तो घर के फर्स्ट फ्लोर में लगा सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर में लगा सकते हैं, सभी कॉर्नर्स में लगा सकते हैं, तो सबको आप एक साथ एक TV में ट्रैक कर सकते हैं। तो यूजुअली बहुत बड़े मॉल्स में या स्टेशंस में
यही डीवी बुलेट टाइप कैमरास यूज़ होते हैं जो DVR से ट्रैक होते हैं। ये लंबे टाइम तक आपके वीडियो कंडीशन रिकॉर्ड करता है और जब एक सैचुरेशन पॉइंट आता है तो प्रीवियस वीडियो को डिलीट कर देता है। कुछ ऐसे कैमरास को देखते हैं जो आप घर में ला सकते हैं, जो वाईफाई कैमरास हैं। इसका मैंने लिस्ट बनाया है जो सबसे अच्छे हैं, वो देख के आप इसको खरीद सकते हैं, घर में ला सकते हैं। और इसमें स्मार्ट सपोर्ट भी मिलता है आपको, आपको एक डेडिकेटेड ऐप मिलता है, आप इसको ऐप से भी ट्रैक कर सकते हैं और ये अलेक्सा और गूगल होम के साथ भी काम करता है। सबसे पहला कैमरा है MI का 360 डिग्री कैमरा जो मैंने घर में यूज़ किया है और इसमें 1080p रिकॉर्डिंग आपको मिलती है फुल HD के साथ और इसमें वाईफाई स्मार्ट सिक्योरिटी कैमरा का फीचर भी मिलता है और इसमें 360 डिग्री का व्यूइंग एंगल मिलता है और इसमें 120 डिग्री का आपको व्यूइंग रेंज मिलता है और 30 मीटर्स का आपको व्यूइंग लेंथ मिलता है जो आप रात में भी देख सकते हैं और इसमें इंफ्रारेड विजन भी अवेलेबल है। अगर आपको खरीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ क्लिक करके खरीद सकते हैं। अगला जो पॉपुलर कैमरा है वो क्यूबो का स्मार्ट सिक्योरिटी कैमरा, ये वायरलेस वाईफाई कैमरा है और इसमें 1080p रिकॉर्डिंग मिलती है और इसमें बेबी क्राइम मॉनिटर और वेदर रेजिस्टेंस कैमरा फीचर इसमें अवेलेबल है और ये आउटडोर यूज़ के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें अलेक्सा इनेबल्ड है और नाइट विजन भी अवेलेबल है। इसका अगर खरीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ क्लिक करके खरीद सकते हैं। अगला है TP-Link का स्मार्ट कैम, ये पैन एंड टिल्ट ऑप्शन के साथ आता है, इसमें हेड भी घूमता है तो 360 डिग्री आप देख सकते हैं और इसमें फुल एचडी रिकॉर्डिंग आपको मिलती है, 30 फीट तक नाइट विजन मिलता है और इसमें मेमोरी कार्ड भी आप डाल सकते हैं जो लोकली आपको डेटा रिकॉर्ड करके देगा और कहीं भी आप इसको रिट्रीव कर सकते हैं। ये बहुत प्राइसी नहीं है, बहुत कम बजट सेगमेंट में आता है तो आप इसको खरीद सकते हैं और एक घर के अंदर परफेक्ट रहेगा, आपको घर में किसी को मॉनिटर करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगला मॉडल है गोदरेज का ईव, ये स्मार्ट सिक्योरिटी कैमरा है और इसमें अलेक्सा सपोर्ट भी मिलता है आपको और 360 डिग्री का इसमें हेड रोटेट होता है और 2 मेगापिक्सल का कैमरा है, 1080p रिकॉर्डिंग मिलती है आपको और 2-way talk फीचर मिलता है जो आप इसमें कॉल करके बात भी कर सकते हैं। इसमें मेमोरी कार्ड सपोर्ट मिलता है और इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है, यूनिक डिज़ाइन मिलता है आपको इसमें और ये आप घर में लगा सकते हैं और घर के सारी चीज़ों को आप मॉनिटर कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ क्लिक करके खरीद सकते हैं। वीडियो से आपको CCTV के बारे में कुछ जानकारी मिल गई होगी, CCTV का फुल फॉर्म तो एटलीस्ट आपको पता हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।